अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, की हाल चाल है? उम्मीद करना सारे दोस्त खैरियत नाल होंगे, वधिया होंगे, चढ़दी कला दे विच होंगे। दोस्तों आपा ज्ञानी संत सिंह मस्कीन जी तो बहुत सारिया चीज़ा सीखियां, बहुत कुछ आपा ज्ञान हासिल किया, बहुत सारिया ऐसिया चीज़ा जो कि मैनू पहले नहीं पता सी आपा ज्ञानी संत सिंह मस्कीन जी तो सीखियां। अज आपा ज्ञानी संत सिंह मस्कीन जी दी एक ऐसी कथा सुनने लगे हैं दोस्तों कि सिख लोग सिख दोस्त किस तरह इशनान करते हैं। इबादत तो आपां नूं पता चल गया कि सिख लोग इबादत किस तरह करते हैं। अज आपां देखांगे कि सिख लोग इशनान किस तरह करते हैं, क्या वह भी मुसलमाना तरह इशनान करते हैं या उन्हां दा कोई अलहदा तरीकाकार है? वीडियो आपां देखने। सन्मानयोग गुरु रूप साध सिंह जीओ, छेवीं पौड़ी जिस दे च धन गुरु दे तीर्थां दे संबंध च ते करम दे संबंध च अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। तीर्थां दी महानता हर धर्म दे च हर मजहब दे च है। सारा इस्लामी जगत जितने चिर तक हज ना कर लवे वो अपना मुसलमान होना पूरा नहीं समझदा। इस तरह ही हिंदू ने कुंभ दा इशनान ना कर लैन, कुंभी दा इशनान ना कर लैन, ते प्रयागराज दे च माघ दा इशनान ओ ना करन। इस तो इलावा एकम थित है ते होर कई तरह दे इशनान ने ए दस पुरब ने। इना दसां पुरबां ते ओ अठाठ तीर्थां दे चों किसे ना किसे तीर्थ ते इशनान ना करन वो अपना हिंदू होना संपूर्ण नहीं समझदे। इसे तरीके नाल बाकियां दे च भी देखण नूं मिलदा है। सिख जगत दे भी अपने तीर्थ ने। धन गुरु अमरदास जी महाराज ने गोविंदवाल साहब दे च बावली साहब बना के तीर्थ दी परंपरा नूं तोरिया। फिर धन गुरु अमरदास जी महाराज दी ही कल्पना अमृतसर वसाणा ओनू साकार रूप देण दी कोशिश कीती पूरी धन गुरु रामदास जी ने। ओनू सवारण ते शिंगारण ते दरबार साहब दी बणतर धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने बनाई। ओदी सेवा संभाल ते हिफाजत दी जिम्मेवारी धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज निभांदे रहे। सिख जगत दा ओ केंद्री अस्थान बनया, जगत दा केंद्र। धन गुरु नानक देव जी महाराज राय भोए दी तलवंडी देच प्रकाशमान होए जन्म होया। राय भोए दी तलवंडी ननकाणा साहब बने। हसन अवदाल वली कंधारी, हसन अब्दाल पाकिस्तान रेलवे स्टेशन ते अजे भी हसन अब्दाल लिखिया हुआ, शहर नूं अजे भी हसन अब्दाल कहंदे ने। पर उस वली ने उपरों पत्थर सुटिया, धन गुरु नानक देव जी महाराज ने अपने मुबारक हत्थां नाल रोकिया। तो हत्थां दा पंजा लग गया, हसन अब्दाल पंजा साहब बनया। सिख जगत दे तीर्थां दे चों सिरमौर तीर्थ बने। हाँ, बहुत बड़ा गुरुद्वारा पाकिस्तान जी दोस्तों, बहुत बड़ा। जिथे जिथे किसी महापुरुष द्वारा कोई विशेष घटना घट गई है या जन्म होया है या कुछ होर कारण ने, वो जगह तीर्थ कहलांदे ने। इस्लामी जगत विच, हिंदू जगत विच, सिख जगत विच, बौद्ध जगत विच, सारे बुद्धिस्ट लोगों का केंद्रीय स्थान गया है। गया, और जितने चिर तक गया विच बुद्ध जयंती वाले दिन वो आके दर्शन ना कर लैन, अपनी पूजा पाठ ना कर लैन, वो अपना बुद्धिस्ट होना पूरा नहीं समझते। बिल्कुल सही गल। तीर्थ एक पवित्र अस्थान, इस तो इनकारी नहीं। और अस्थान भेद, अस्थान का अपना असर है।
अपना प्रभाव है, जगह जगह का अपना असर है। दूर क्यों जाओ, हर घर की वाइब्रेशन भी अलग अलग होती है, हर घर का भी अपना असर अलग अलग है, हर गुरुद्वारे का भी अपना अलग असर है, हर मंदिर का भी अपना अलग असर है, हर मस्जिद की भी अलग अलग गल है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं देखदा दिल्ली दे हर कलोनी च चार चार गुरुद्वारे ने, पर अमृत वेले संगतां भजियां आउंदियां शीशगंज साहब, बंगला साहब, तिल धरन थां नहीं मिलदे। मतलब किसी गुरुद्वारे दी इस तरह लंबियां लंबियां लाइनां लगदियां मत्था टेकण नूं, जदके कलोनी दे गुरुद्वारे मौजूद ने, जिथे जिथे लोकी रहिंदे ने दो दो चार चार गुरुद्वारे मौजूद ने, सोहणे सोहणे जथे कीर्तन पए करदे ने, पाठ हो रहा है, लेकिन भजे आ रहे ने। अमृत वेले तो ही रौनकां लग जांदियां शीशगंज साहब, बंगला साहब, तिल धरन दी थां नहीं आउंदी। इन्हूं कहिंदे ने अस्थान वेद, जगह दा असर, जिथे परम पुरख ने कोई बैठ के तप कीता होवे, टिकाणा कीता होवे, असर है। और उस अस्थान ते धन गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज दी पावन काया दा खून डुले है, उस जगह दा अपना असर। इस ढंग नाल ते तीरथ तो कोई इनकारी नहीं हो सकता, पर तीर्थ ताई तीर्थ बने, किसी ने नाम जपया सी कोई बंदगी वाला सही, उसकी कदम बोसी नाल बने, उसके जप नाल बने। तो जे तीर्थां नूं भी जन्म नाम ही देंदा है, तो गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे ने फिर साडा तीर्थ नाम ही है। तीर्थ हमरा हर को नाम, हरी दा नाम ही साडा तीर्थ है। तीर्थ नाम न जाओ, तीर्थ नाम है, तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। तीर्थ की है, गुरु शब्द दी विचार, शब्द नो अपने विचार दे च ले आना, शब्द नो अपनी समझ दे च ले आना, शब्द नो अपने चेते दे च ले आना, और अनुभवी ज्ञान दा पैदा हो जाना। तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है, गुर ज्ञान साचा थान तीर्थ दस पुरब सदा दसाहरा। तीर्थां ते दस पुरब ने, जिवें हुणे मैं अर्ज कीता, कुंभ दा इशनान, कुंभी दा इशनान, प्रयागराग दे च माघ दे महीने माघी दा इशनान, चंद्र ग्रहण दा इशनान, सूरज ग्रहण दा इशनान कुरुक्षेत्र दे च। इसे तरीके नाल केदारनाथ बद्री नारायण दी यात्रा, ये दस तीर्थां दे इशनान नूं, दस पुरबां दे मनाण नूं मनदे ने, दस तरह दे दोख, दस तरह दे पाप मिट जांदे ने। दस पुरब सदा दसाहरा, गुरु नानक देव जी महाराज दे बोल ने। ये जो दस पुरब मनाए जाते हैं और आख्या जाता है, दसा नूं हर लेंदे ने, भाव दसा नूं मिटा देंदे ने, दस पाप। दस पाप, चार पाप बाणी दे मनदे ने, तीन पाप मन दे मनदे ने, तीन पाप तन दे मनदे ने। मिथ्या बोलना, फिक्का बोलना, कौड़ा बोलना या निंदा, है ते सच्चाई, लेकिन इस वास्ते बयान कर रहे अगले नूं चोट पहुंचे, अगले नूं तकलीफ होवे। सच बोल के भी चोट पहुंचाई जा सकती है, ये भी मैं अर्ज कर दिया। जैसे कोई एक मनुख दी एक अख नहीं काम करती, तो उसनू कहा जा सकता मित्रा तेरी एक अख काम नहीं करती, या फिर कहा जा सकता तू काणा है। सच बोल के भी चोट पहुंचाई जा सकती, और इस दे कई ढंग ने।
ਬਾਣੀ ਦੇ ਇਹ ਜੋ ਚਾਰ ਦੋਖ ਨੇ ਤੇ ਤਿੰਨ ਦੋਖ ਮਨ ਦੇ, ਬੁਰਾ ਸੋਚਣਾ, ਬੁਰਾ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਔਰ ਬੁਰੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਹਰ ਵਕਤ ਚੱਲਣਾ, ਤਿੰਨ ਦੋਖ ਸਰੀਰ ਦੇ, ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਹਿੰਸਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਦੁਰਾਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤਿੰਨ ਦੋਖ ਤਨ ਦੇ, ਤਿੰਨ ਦੋਖ ਮਨ ਦੇ, ਚਾਰ ਦੋਖ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮਨ ਕੇ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦਸ ਪਾਪ ਨੇ। ਇਹ ਦਸ ਪਾਪ ਦਸ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਨਾਲ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਐਸੀ ਪੁਰਾਣੀ ਧਾਰਨਾ। ਦਸ ਪੁਰਬ ਸਦਾ ਦਸਾਹਰਾ, ਇਹ ਦਸ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦੋਖ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਦੋਖ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਨ ਪਾਵਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਨ ਦੇ ਪਾਪ ਧੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਸਾਚਾ ਥਾਨ ਤੀਰਥ ਦਸ ਪੁਰਬ ਸਦਾ ਦਸਾਹਰਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹ ਜਪਣਾ ਹੀ ਦਸ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹੀ ਦਸਾਂ ਦੋਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਲ ਦਾ ਮੱਜਣ, ਜਲ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਧੋਂਦਾ, ਜਲ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਮਨ ਦੇ ਪਾਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧੋਂਦਾ, ਜਲ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤਨ ਦੇ ਪਾਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧੋਂਦਾ। ਸਫੁਰਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰੀਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਆਖੀਏ ਇੱਕ ਡੁਬਕੀ ਲਾਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਧੁੱਲ ਗਏ, ਐਸਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੇ ਜਦ ਕੁੰਭ ਲੱਗਿਆ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਕਰੀਬਨ 35 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਧੂ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਝਗੜਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ? ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰਨਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਲੜੀ, ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਪਹਿਲੇ ਧੁਲਣ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਦੇ ਚ। ਉੱਥੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਬੈਰਾਗੀ ਨੇ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਨੇ, ਨਾਂਗੇ ਨੇ, ਅਖਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਵਿਖਾਦ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਣਾਅ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਖੂਨੀ ਲੜਾਈ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੋਈ। ਗਏ ਸਨ ਪਾਪ ਧੋਣ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਾਪ ਹਿੰਸਾ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਪ ਮਿਥਿਆ ਬੋਲਣਾ, ਕੌੜਾ ਬੋਲਣਾ, ਤਾਂ ਖੂਬ ਕੌੜਾ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ, ਮਿਥਿਆ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ, ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, 35 ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਸੈਂਕੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਬਨਾਰਸ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲਈ ਔਰ ਸ਼ਿਵਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੰਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਪੂਜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਬਨਾਰਸ ਦਾ ਸੰਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਹੀਂ, ਠੱਗ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਨਾ ਆਖੀਏ, ਬਨਾਰਸ ਕੇ ਠੱਗ, ਬਨਾਰਸੀ ਠੱਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਲਹਿੰਦੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਬਨਾਰਸੀ ਠੱਗ। ਬਸ ਇਤਨੀ ਹੀ ਮੈਂ ਸੱਚਾਈ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੱਕੇ ਦੇ ਬਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ। ਜਲ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤਾਜ਼ਗੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਫੁਰਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਜਲ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਨਿਵਿਰਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਾਮ ਜਪੇ ਕਿਸੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛੋਣਗੀਆਂ,
सहजे सहजे पानी की तासीर नूं बदलणगे। बिल्कुल सही, बड़े पुराने जमाने तो यह कहावत चली आ रही है कि प्यार नाल श्रद्धा नाल पानी का गिलास किसी नूं पेश करिए, उस पानी का स्वाद कुछ होर होंदा है। नफरत नाल, घृणा नाल, क्रोध नाल पेश करिए, उस पानी का स्वाद कुछ होर हो जाता है। मनुख के ख्यालां नाल, मनुख दियां तरंगां नाल पानी भी प्रभावित होंदे ने। सिर्फ पानी ही प्रभावित नहीं होंदा, रेत के जर्रे भी प्रभावित होंदे ने। इस वास्ते परम पुरख के कदमां ने जिस रेत नूं छोया है उसनू चरण धूड़ कहिंदे ने, और मस्तक ते लाण नाल बड़ी महानता मन्नी गई। गुरु ग्रंथ साहिब विच इसकी बड़ी उपमा है। इस गल तो ते इनकारी नहीं, पर खेड ते फिर भी नाम दी आएगी। नाम ही पानी की तासीर बदलेगा, नाम ही मिट्टी की तासीर बदलेगा, नाम ही बाहर दे वातावरण नू पावन करेगा। तो तीरथ हमरा हर को ना, तीरथ नावण जाओ तीरथ नाम है, तीरथ शब्द विचार अंतर ज्ञान है, गुर ज्ञान साचा थान तीरथ दस पूर्व सदा दसारा, और नाम हर का सदा जाचो देह प्रभ धरणी धरा। हे संसार नु धारण करने वाले, हे धरती नु धारण करने वाले, हे प्रभु अपना नाम दे, यही तीरथ है, यही पापा नु नाश करता है, यही आनंद देंदा है, यही सुख देंदा है। इस पौड़ी च भी पातशाह कहिंदे ने, तीरथ नावा जे तिस भावा, जे मैं परमात्मा नूं भा जावा तां ही तीरथ नावा ना, भाई तीरथ दा नाणा ते तां जो उस नूं भा जाइए। विण भाणे कह नाए करी, जे उस नूं पाईए ही ना, उस नूं चंगे ही ना लगीए, और उस नूं कौन भांदे ने, पिछलियां पौड़ियां जिक्र आ गई है, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। जो उस दे बाणे नूं मनदे ने परमात्मा नूं उभा जांदे ने, जो उसकी रजा नूं मनदे ने, जो उस दे बाणे नूं मन लैंदे ने परमात्मा नूं उभा जांदे ने, उसे दा ही विस्तार है। जे मैं उसनूं पाया ही नहीं, ते जे मैं उसकी रजा विच जीविया ही नहीं, ते की इशनान कीता, कुछ नहीं इशनान कीता। अल्लाह अगे चल के कहंदे ने, पंक्तियां पढ़नियां, जेती सिष्ट उपाई वेखा विण कर माके मिले लई, जितनी सृष्टि हे परिपूर्ण परमात्मा तू बनाई है, मैं वेखदा कि बिना कर्मा तो की मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। तो कर्म नूं दो पासे लै गए सिख जगत दे विद्वान, कर्म नूं लै गए बख्शिश वाले पासे ओ जो कहिंदे ने, इह कर्म शब्द फारसी दा है, ते फारसी विच बख्शिश लई लफ्ज है कर्म, फलाने ते खुदा दा कर्म हो गया। बिल्कुल, अल्लाह पाक दा कर्म, कर्म दे अर्थ बख्शिश। पर कुछ महान विद्वान इस नूं लै गए ने, इस संस्कृत दा लफ्ज है इत्थे कर्म दे मतलब ने कम, कर्म काम करना, ये भी बिल्कुल सही हो गया, कृत सही हो करना। बिना कुछ कीते हैं की प्राप्त हो सकता है, कुछ भी नहीं। बिना कुछ कीते हैं की प्राप्त हो सकता है, कुछ भी नहीं। कहते ने मनुख दे नाल ही कर्म की जिम्मेवारी चल पैंदी है, पशुओं दे नाल नहीं है, पंछियों दे नाल नहीं है। पहले कथा च सुनियो, जिथे सुचेत होया मनुख, सावधान होया, ज्ञान पैदा होया, कर्म दी जिम्मेवारी नाल चल पई। कर्म दी जिम्मेवारी दी पशु जगत नहीं आउंदा, कर्म दी जिम्मेवारी दी पंछी नहीं आउंदे, कीड़े मकोड़े नहीं आउंदे। ए दोस्तो, इस तो अगे आपां एक कथा सुनी हुई है, अपने चैनल ते भी पई है, मतलब के कर्म, कर्म दा बीज ते दुखां दा फल, ये वीडियो दा टाइटल है, ते वो अपने चैनल ते पई है। इस तो अगे आपां सारी कथा सुनी है, लेकिन इशनान दे बारे आपां कथा दोस्तों नहीं सुनी हुई सी। हुण आपां नूं क्लीयर कट पता चल गया कि सिख लोग इशनान क्यों करदे ने, ताकि वो ताजगी हासिल करन, ताकि वो पाकीजगी हासिल करन। मैं समझदा पिया सी
कि कथा दे अंदर ज्ञानी संत सिंह मस्कीन जी अशनान दा तरीका दसनगे, जिवें कि असी मुसलमान अशनान करने हैं जिन्हों उर्दू दे विच गुसल कहिंदे ने, गुसल किस तरह करदे ने, वह जिवें असी नमाज पढ़ने हाँ उन्दे विच जिवें वजू करने हाँ इस तरह असी अशनान करने हैं, उन्दे भी पंज फर्ज हुंदे ने। लेकिन सिख धर्म के अंदर मेरा ख्याल है, मैं दरबार साहब के अंदर अशनान करते लोगों ने वेख्या कि जेड़े आते हैं वो जो सरोवर है उनके अंदर टुब्बी लाते हैं, तो टुब्बी ला के तो फिर इस तरह करके हाथ खड़े करते हुए उठते हैं तो रब को माफ़ी मांगते हैं पाप दसर, यानी कि दस गुना जोड़े इंसान करता, तीन जबान के गुना, तीन मन के गुना, तो चार गुना किड़े सी जेन च निकल गया, चार गुना वो टोटल मिला के दस गुना दशहरा पाप, इन्हों तो माफ़ी मांगते ने, इनान करते ने, बिल्कुल ठीक है दोस्तों। लेकिन ज्ञानी संत सिंह मस्कीन जी ने बड़ी बेहतरीन बड़ी खूबसूरत एक गल की थी कि इनान करन दे नाल तुहाडे पाप नहीं धुल सकते, ये तुसी अगर समझ लो कि जी पाप धुल गए, पाप नहीं धुलनगे बल्कि तुहानू ताजगी मिल जाएगी, तुहाडा इबादत दे विच तुहाडा तुहाडा इबादत करने विच तुहाडा फोकस हो जाएगा, तुहाडा मन लग जाएगा, ये है बिल्कुल ये सही गल है। इस तरह असी मुसलमान हफ्ते दे विच सत्तां दिनां दे विच साढ़े ते एक बारी इशनान करना फर्ज है, वैसे असी डेली भी इशनान कर सकते हैं, लेकिन नमाज तो पहले असी वजू करने हैं, पहले हाथ धोने हैं, फिर तीन वारी कुली करने हैं, तीन वारी नक च पानी पा के ते इस तरह नक के अंदर उंगली मारने हैं, फिर उस तो बाद तीन वारी मूँह धोने हैं, फिर तीन वारी कुलियाँ धोने हैं इत्थे तक दोस्तों, फिर उस तो बाद सिर का मस्सा करने हैं, तो फिर कन्ना च उंगली मार के ते फिर पैर धोने तो गोड्या तक, ये असी वजू करने, अगर इन एक भी चीज़ मिस हो जाए तो साड़ी जड़ी नमाज है वह नाकस हो जाती है, साड़ी जड़ी नमाज है वह शायद कबूल ना होंगी हो। सिख लोगों के नाल मैं गलबात की दोस्तों, सिख लोग कहते हैं कि असी सुबह अमृत वेले उठ के चाहे सर्दी होए चाहे गर्मी होवे असी इशनान करने ही करने, बाबा गुरु नानक साहब की यह सुनत है, बाबा गुरु नानक साहब इस तरह करते होंगे सी कि सुबह उठद्या वो इशनान करते सी, फिर वो अपने रब दे नाल अपना टैलीफोन ला लेंदे सी, अपने रब दे नाल गलबात शुरू कर देंदे होंदे सी। ते इशनान किसी भी धर्म का एक बुनियादी पार्ट कह लो या बेसिक पार्ट कह लो, क्यों? क्योंकि इशनान तो बगैर जिहड़ी इबादत है वह कबूल नहीं होंदी। बाकी तीर्थ मेरा ख्याल है वह जगह नूं कहा जाता कि जिथे इशनान किया जाता, अगर नहीं अगर मैनू समझण च गलती हुई है तो तुसीं जरूर दोस्तों दस्या जे कि तीर्थ लफज शायद वह अस्थान वह जगह जिथे इशनान किया जाता। फिर इन्होंने आख्या खुंभ का इशनान करना, वो मेरा ख्याल हिंदू करते हैं, इस बारे भी मैनू नहीं पता कि वह किस तरह इशनान करते हैं। तो अगर कोई सिख धार्मिक या गुरमुख सिख या कोई गुरु का सिख है वो किस तरह इशनान करता वो मैनू जरूर कमेंट च दस्या जे, ताकि कभी जिंदगी दे विच रब ने वीज़ा लाया असी इंडिया गए दरबार साहब देखा तो असी भी उस तरह इशनान करन दी कोशिश करांगे दोस्तों। वैसे नामुमकिन जी गल है क्योंकि इंडिया वाले साडे वास्ते वैसे तो दरवाजे नहीं खोलते, लेकिन अगर कभी जिंदगी ने साथ दिता इंडिया च गए असी अमृतसर दरबार साहब देखा तो उत्थे इशनान बंदा कर लैंदा, तो कोई दोस्त अगर जिन्हों इशनान करना आता हो, यानी कि वैसे तो असी घर भी इशनान करने किमें करने कि वह फुहारा छड़िया तो वह पानी पैन लग पैंदा जिसम से, तो इशनान वह भी है, लेकिन हर धर्म का इशनान करन दा एक मैथड हुंदा एक तरीका हुंदा। ते जदों मसलन असी इस्लाम असी मुसलमान हाँ दोस्तों, तो असी जदों अपनिया बीवियां दे नाल हम बिस्तरी करने तो उस तो बाद साढ़े ते गुसल फर्ज हो जाता, असी गुसल करना पैंदा सानू, तो फिर वो असी गुसल किस तरह करने जिवें असी वजू करने उस तरह वजू करके फिर तीन वारी जिसम के सज्जे पासे पानी पाने, तीन वारी जिसम के खब्बे पासे पानी पा के फिर वो वाली जगह जिथे असी इशनान किया हों तो थोड़ा परा हो के
ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਸੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਨਾਬਤ ਕੋਈ ਗੰਦਗੀ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ 'ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਿੱਖ ਦੋਸਤ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਜੇ। ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਕਥਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਯੂਟਿਊਬ ਦੀ ਪੋਲਿਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਰੀਯੂਜ ਕੰਟੈਂਟ ਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਵੀ ਬੈਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕਿਆ। ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕਥਾ ਲੱਗੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਜੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਬੀਵੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਅੱਲਾਹ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।